नमस्कार बच्चों, मैं जया सिंह, सहायक अध्यापिका, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर। बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय पढ़ेंगे। आज का अध्याय है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और आज की कक्षा में इस अध्याय का हम पहला भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आज इस अध्याय में हम जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, आइए एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोकतंत्र क्या है उसके बारे में जानेंगे, यानी लोकतंत्र की जो परिभाषा दी गई है सर्वमान्य, उसके बारे में। फिर लोकतंत्र को परिभाषा की जरूरत क्यों है। फिर हम लोकतंत्र की विशेषताएं और उसके अंतर्गत हम चार महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में पढ़ेंगे, जैसे प्रमुख फैसले चुने हुए नेताओं के हाथ में, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक व्यक्ति एक वोट एक मौन, कानून का राज और अधिकारों का आदर। ये सभी चार पॉइंट जो है आपके लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और आखिरी में परिभाषाओं का सारांश, इसके विषय में अध्ययन करेंगे हम। बच्चों, आइए अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं, और आज का हमारा पहला टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में लोकतंत्र के विषय में पढ़ा है, और आपने जाना कि लोकतंत्र में दो तरह की सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। आज हम इस अध्याय में सबसे पहले लोकतंत्र के विषय में बात करेंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं? आपने अब्राहम लिंकन जी का नाम सुना होगा। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र के विषय में एक परिभाषा दी थी जो सर्वमान्य है और काफी प्रचलित है। वो परिभाषा इस प्रकार है, देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लोकतंत्र में जनता सत्ताधारी है, उनकी अनुमति से ही शासन होता है और उनकी प्रगति ही शासन का मुख्य लक्ष्य होता है। बच्चों, इस परिभाषा को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर ये प्रश्न के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। यहाँ लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। बच्चों, हमारे देश में भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिसे हम जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कहते हैं। इसके अलावा विश्व के अन्य देश भी हैं, जैसे अमेरिका में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बच्चों, परिभाषा की जरूरत क्यों है के संदर्भ में आपकी बुक में एक क्लास में चर्चा परिचर्चा चल रही है, और वो चर्चा परिचर्चा उस क्लास की मैम का नाम है लिंग दो मैम और बच्चों के बीच में चल रही है। एक बच्ची है मैरी, वो मैम से पूछती है, मैम हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था जानने के लिए लोकतंत्र को जानना क्यों जरूरी है? मैम उसे कहती है, बच्चा तुम्हारा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद ही हम उसका अर्थ जान पाते हैं, जैसे कलम हो गई, फूल है, बरसात है, इन शब्दों की परिभाषा नहीं की जा सकती है। बच्ची बोलती है कि मैम लेकिन परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मैम उसे बताती है कि बच्चों, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें उस निश्चित शब्द के उपयोग में परेशानी हो रही हो, या उस शब्द की तुलना अन्य किसी और शब्द से करनी पड़ जाए। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें बादल फटने या बूंदाबांदी या सामान्य बारिश में अंतर करना हो। इसी तरह लोकतंत्र में भी ये बातें लागू होती हैं, इसलिए हमें परिभाषा की आवश्यकता पड़ती ही है। दूसरा छात्र रिव्यांग कहता है, मैम हमें परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि जब अब्राहम लिंकन द्वारा परिभाषा सर्वमान्य है तो फिर हमें अन्य परिभाषा या अन्य शब्दों या उसके अन्य अर्थों की जरूरत क्या है? अब्राहम लिंकन जी ने जो परिभाषा दी है, लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है, और ये परिभाषा को सभी ने मान लिया है, तो फिर हमें और परिभाषा की जरूरत क्या है? मैम ने बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उपयोग के बाद हमें उनके लिए एक विशिष्ट परिभाषा की आवश्यकता पड़ती ही है।
मैं भी इस परिभाषा से सहमत हूँ, लेकिन हमें किसी भी चीज को इस आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह बहुत फेमस है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने इसको कहा है। समय के अनुसार उसमें बदलाव जरूरी होता है। तभी एक छात्र योलांदा कहता है कि हमें परिभाषा तलाशने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ध्यान देंगे आप, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। बच्चों इसको आप ध्यान से देखेंगे कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेशिया से मिलकर बना है, डेमोक्रेशिया डेमोस और क्रेशिया से बना है जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। इसे हम लोकतंत्र कहते हैं, कहीं कहीं इसे प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। आप इन शब्दों में कभी कंफ्यूज ना होइएगा, लोकतंत्र जनतंत्र प्रजातंत्र ये तीनों ही शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिंगदो मैडम ने कहा कि बच्चों सिर्फ शब्दों की उत्पत्ति से ही परिभाषा नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि कुछ शब्दों के मायने समय के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कंप्यूटर का उदाहरण दिया कि कंप्यूटर जिसको हम संगणक भी कहते हैं उसका उपयोग गणना करने के लिए किया गया था, लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कामों के लिए किया जा रहा है। चाहे वो गणना का काम ले लीजिए या डिजाइनिंग का काम ले लीजिए, इसके अलावा लिखने पढ़ने के लिए, फिल्में देखने के लिए, संगीत सुनने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। यानी समय के साथ साथ उस शब्द के मायने बदलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ को ही उपयोगी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि समय के साथ साथ उनमें बदलाव होता रहता है। मैरी बोलती है, तब क्या मैम इस शब्द पर शॉर्टकट सोचने का कोई उपाय नहीं है, यानी हमें इसके अर्थ पर ध्यान से गौर करना ही होगा। मैम बोलती है बिल्कुल, आइए अब हम लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा देखते हैं। बच्चों लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं उसमें हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रक्रिया लोकतंत्र में ही संभव है, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं। यह परिभाषा सरकार के लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक रूप में अंतर करती है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस आधार पर लोकतंत्र की सरल परिभाषा हमें समझ में आ गई कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र की जो सरल परिभाषा थी वो लोकतांत्रिक थी, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें थी। जैसे देख लीजिए म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव, और नेपाल में राजशाही व्यवस्था, यानी नेपाल में राजा के मरने के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता है, ये व्यवस्था है। और चिली में पिनोशे जैसे तानाशाह का चुनाव लोगों ने नहीं किया था, यानी वहां पर क्या था, सैनिक शासन था। देख लीजिए जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण रहा वही लोग देश के शासक बन गए थे, और ऐसे शासन में शासक के फैसले या फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। वहां पर जो भी सरकार थी, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चिली में हो, नेपाल में राजशाही व्यवस्था है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, वहां पर जो सैनिक तानाशाह थे उनकी शासन व्यवस्था चलती थी, जनता की मर्जी वहां पर नहीं ध्यान में रखी जाती थी। जो इसलिए हमें लोकतंत्र और जो दिखावटी लोकतंत्र सरकारें यानी गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनके बीच अंतर करना होगा। और अंतर हम कैसे कर पाएंगे, जो हमारी सरल परिभाषा है उसके आधार पर हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा जानी कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लेकिन इस सरल परिभाषा पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे शासक कौन होता है, किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं, और सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहते हैं। बच्चों आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से लोकतंत्र की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में।
आइए बच्चों, इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी है। पाकिस्तान में एक जनरल परवेज मुशर्रफ, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया था। पाकिस्तान की स्थिति है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 2002 में जनमत संग्रह मतलब लोगों से वोटिंग कराकर द्वारा राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। इस जनमत संग्रह के विरोध में पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने परवेज मुशर्रफ पे आरोप लगाया कि इस जनमत संग्रह में धोखाधड़ी की गई है, यानी गड़बड़ी की गई है, और एक तरीके से सोच समझकर अपना कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बढ़वा लिया है। बच्चों, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, यानी पाकिस्तान के संविधान में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। और ये परिवर्तन क्या थे, इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है, मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। यानी परवेज मुशर्रफ ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के संविधान को बदलकर सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली थी। बच्चों, इस तरह से अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। यही अंतर आप समझ लेंगे, लोकतंत्र जिसमें जनता द्वारा चुने लोग होते हैं, और यहाँ पर क्या था कि ये लोग जनता द्वारा चुने नहीं थे, ये तो सैनिक शासक के रूप में पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यह शासन व्यवस्था तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। तानाशाही शासन व्यवस्था आप समझ जाएंगे, जहां पर औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। ध्यान देंगे, संसद भी होती है और सरकार भी होती है, यानी संसद और सरकार जनता द्वारा चुनी हुई नहीं होती है, और जिनके हाथों में सत्ता है वो वास्तविक शासक नहीं है। जैसे परवेज मुशर्रफ हैं, इनको हम वास्तविक शासक नहीं मान सकते क्योंकि ये जनता द्वारा चुने हुए नहीं है। तो बच्चों, इस आधार पर हम लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है, ये हम मानेंगे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, यानी जिन्हें हम मतदान द्वारा चुनते हैं उन्हीं के पास शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है उन्हीं के पास होनी चाहिए। बच्चों, आइए अब हम लोकतंत्र की दूसरी विशेषता पढ़ेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जो चुनाव हो वो स्वतंत्र हो, यानी उनके ऊपर कोई, जो भी उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनके ऊपर कोई बंधन ना हो, कोई दबाव ना हो, और वो निष्पक्ष हो, यानी जो रिजल्ट आए वो बिना पक्षपात किए हुए आए। आइए इसके अंतर्गत बच्चों हम चीन और मैक्सिको के विषय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चीन के बारे में बात करें। देखिए, चीन की संसद जिसे हम राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसे भारत में भी लोकतंत्र है और भारत में भी हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, वैसे ही चीन में भी बच्चों हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। फिर देखिए, संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है और इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य चुनकर आते हैं, यानी जो संसद की संख्या है वो लगभग 3000 है। फिर देखिए, चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो भी चीन में उम्मीदवार होगा उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। और आप ये ध्यान रखेंगे कि चीन में एकमात्र पार्टी जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, यानी चीन में जब चुनाव होते हैं तो जो सरकार बनती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ऐसा क्यों कि बच्चों वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। वर्ष 2002 और 3 में जो चुनाव हुए थे
उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ छोटी छोटी पार्टियों ने भी चुनाव में भाग लिया था, लेकिन जब सरकार बनी थी तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में लौट कर आई थी। अब हम बात करेंगे मैक्सिको की। बच्चों देखिए, मैक्सिको में 1930 के बाद, यानी जब मैक्सिको को आजादी मिल गई थी, उसके बाद से जब वहां पे चुनाव होने शुरू हुए, देखिए हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट नोटिस करेंगे कि जहां पर भी लोकतंत्र है वहां 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, लेकिन मैक्सिको में क्या है अंतर, मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद। और देखिए, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI, वहां की एक पार्टी है ये जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। यहां पर भी क्या कहानी थी कि एकमात्र पार्टी जो थी PRI, उसी को जीत मिलती थी। यहां पर विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था, आइए हम उसकी चर्चा करें। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए PRI जो थी वो तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी और इसके लिए बहुत ज्यादा कुख्यात भी थी। होता क्या था कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते थे उनके लिए अनिवार्य था कि वो PRI की बैठकों में जरूर भाग लें। इसके अलावा जो सरकारी अध्यापक थे या जो सरकारी स्कूल थे वहां के अध्यापकों को ये निर्देश था कि वो छात्राओं के या छात्रों के अभिभावकों से मिलकर और उन्हें PRI को ही वोट देने के लिए प्रेरित करें। वहां पर मीडिया भी थी, लेकिन जब मीडिया आलोचना करती थी तो उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अंतिम समय में वोटिंग बूथ ही बदल दिए जाते थे, और जब वोटिंग बूथ बदल दिए जाएंगे तो बहुत से लोग जो वोट देना चाहते थे, अगर वोटिंग बूथ दूर हो गया तो वो वोट नहीं दे पाते थे। तो इससे भी क्या होता था, लोगों को नुकसान होता था और ये इसका फायदा PRI लेती थी। PRI अपने उम्मीदवारों पर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करती थी। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि PRI का पूरे मैक्सिको पर एक पूरा नियंत्रण था या वो हावी थी। तरह से चीन और मैक्सिको की कहानी को जाना कि वहां पर किस तरह से चुनाव कराए जाते थे। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता। मैक्सिको में क्या था कि विकल्प तो था, यानी विकल्प होते हुए भी वास्तव में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि PRI के विषय में मैंने आपको बताया किस तरह से चुनाव में जीतने के लिए वो हथकंडे अपनाती थी और क्या क्या काम करती थी। इन उदाहरणों के आधार पर बच्चों हम इस लोकतंत्र की विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, और ये हमारी लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषताओं में तीसरा टॉपिक है हमारा एक व्यक्ति एक वोट एक वोट, यानी हर व्यक्ति के वोट का समान महत्व होना चाहिए। भारत में भी हर जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको वोट का अधिकार प्राप्त है। सभी लोकतांत्रिक देशों में ये व्यवस्था है, भारत हो अमेरिका हो, सभी व्यवस्था है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ये कहानी थोड़ी अलग है। आइए उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम सऊदी अरब के विषय में जानेंगे। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी वहां की महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, जबकि भारत में आप पाएंगे कि हर 18 वर्ष की स्त्री चाहे पुरुष हो वोट का अधिकार दिया गया है। दूसरा देश है एस्टोनिया। यहाँ पर क्या था कि रूसी अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है। एस्टोनिया में नागरिकता के नियम ऐसे बनाए गए थे कि वहां के जो रूसी अल्पसंख्यक थे उनको मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष या बहुत प्रयास करना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे फिजी की। फिजी भी एक देश है बच्चों। फिजी में क्या होता था कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है, यानी जो फिजी के मूल निवासी हैं उनके वोट जो भारतीय वहां पर जाकर बस गए थे उनके वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए लोकतंत्र की तीसरी विशेषता के रूप में हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक यानी जो भी 18 वर्ष का व्यक्ति हो गया हो का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। बच्चों लोकतंत्र की चौथी विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर।
इसके अंतर्गत हम जिम्बाब्वे के विषय में जानेंगे। जिम्बाब्वे भी एक देश है, आप इस अध्याय में बहुत से देशों से परिचित हो जाएंगे। आइए देखते हैं जिम्बाब्वे में क्या हुआ था। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिलने के बाद देश पर जानू पीएफ दल, ये भी एक वहां का महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, का शासन था, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की अगुवाई की थी। आप इसको ध्यान से देखेंगे, वहां पर एक व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था जिसे हम रॉबर्ट मुगाबे के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही वहां पर शासन कर रहे थे। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, यानी उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं थी, लेकिन वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। जैसे आपने देखा मेक्सिको के चुनाव में, वही स्थिति जिम्बाब्वे में भी था। रॉबर्ट मुगाबे ने कुछ हथकंडे अपनाए थे, आइए जानते हैं कैसे। रॉबर्ट मुगाबे ने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, यानी कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। फिर टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। ये कहानी थी आपकी जिम्बाब्वे की। इसी के संदर्भ में मैं आपको उत्तरी कोरिया के विषय में बताना चाहूंगी, जहां पर आपने किम जोंग का नाम सुना होगा, वहां पर भी ऐसी तानाशाही शासन व्यवस्था है और जो उदाहरण मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं सेम स्थिति वहां पर है। लेकिन मुगाबे की ये कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, लोगों ने धीरे धीरे आवाज उठाने शुरू कर दी और 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। बच्चों, हम जिम्बाब्वे के उदाहरण से समझ सकते हैं कि लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं और लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक रवैया अपना सकते हैं। इसके लिए आवश्यक ये है कि हमें चुनाव पर अपनी नजर रखनी होगी और कुछ जो शर्तें हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे क्या हो सकती है वो शर्तें देखिए, सरकार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, जो हमारे मूल अधिकार हैं, नैसर्गिक अधिकार हैं, का आदर करे, उनको सोचने, अपनी राय बनाने और सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए, इस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान में हमें मूल अधिकार भी प्राप्त है और इस अधिकार के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। दूसरा है, चुनी हुई सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और अल्पमत वाले समूहों को दी गई गारंटी का आदर करना चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। हर फैसले पर विचार विमर्श करके जनता के समक्ष निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जनता ही उन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है जिसके माध्यम से हमारे ऊपर शासन होता है, तो हर फैसले पर जनता की सहमति लेनी भी आवश्यक होती है। इस आधार पर हम लोकतंत्र की चौथी विशेषता समझ गए हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खिंची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, ये हमारी चौथी विशेषता। यानी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को कानूनों के अनुसार और नागरिक अधिकारों की रक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा, जिसमें कहा गया कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, तो हम लोगों ने विभिन्न देशों के उदाहरण से समझा और लोकतंत्र की चार प्रमुख विशेषताओं को जाना था। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत जिन पहलुओं पर हमारी चर्चा हुई थी उसके अनुसार लोकतंत्र की एक सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है या लोकतंत्र के अंतर्गत प्रमुख बातें क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, पहला है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, यानी जिन लोगों को हम या जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वो शासन के सारे फैसले करते हैं। दूसरा है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है, यानी बिना पक्षपात के चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको चुनाव लड़ने का मन है तो वो आराम से चुनाव लड़ सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। तीसरा है,
यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, यानी सभी लोग आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। चौथा टॉपिक है चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। बच्चों, किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान बना होता है और जो भी सरकार चुनी जाती है उस सरकार को संविधान के नियमों और आदर्शों का पालन करना होता है और उसी नियमों और आदर्शों के आधार पर ही वह उस देश में शासन व्यवस्था चला सकती है। तो इस तरह से आज इस अध्याय का पहला भाग समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लोकतंत्र क्या है समझ में आ गया होगा और आप ध्यान रखेंगे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान के नियमों के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलती है और उसका पालन भी किया जाता है। आइए अध्याय के भाग एक के अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप अपने नोटबुक में करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। आप इसमें लोकतंत्र की परिभाषा लिखेंगे और उसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। मैंने आपको चार विशेषताएं बताई हैं, आप उसमें से कोई एक विशेषता लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है ऐसे देश का नाम बताइए जहां बहुदलीय चुनाव होते हैं। बच्चों, भारत ऐसा देश है जहां पर कई राजनीतिक दल है, तो आप इसके उत्तर में अपने देश का ही नाम लिखेंगे। बच्चों, चौथा प्रश्न है आपका चीन की संसद को क्या कहते हैं, यहाँ सरकार हमेशा किस पार्टी की बनती है। बच्चों, चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं और मैंने आपको बताया यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हमेशा बनती आई है। पांचवा प्रश्न है ऐसे दो देशों का नाम लिखिए जहाँ एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य का सिद्धांत लागू है। आप इसके उत्तर में भारत और अमेरिका का उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों, आप ये सभी प्रश्नों को ध्यान से अपने नोटबुक में लिखेंगे और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करते रहेंगे। धन्यवाद।